हेलो एवरीवन माय नेम इज तृप्ति एंड यू आर वाचिंग एनपीसी नीवा फिजिक्स क्लासेस सो बच्चा इस प्लेटफॉर्म पे आपको फिजिक्स के इलेवेंथ ट्वेल्थ एंड नाइन्थ टेंथ के सारे वीडियो लेक्चर्स अपलोड किए जाएंगे वन बाय वन ओके एंड यस हम क्लास इलेवेंथ चैप्टर टू यूनिट्स एंड मेजरमेंट कर रहे हैं सो so, आज का हमारा इंपॉर्टेंट लेक्चर होगा पैरालैक्स मैथड पर बेस्ट ओके okay. ये एक्चुअली में जो पॉइंट है मेथड है वो हम डिस्टेंस मेजर करने के लिए करते हैं यूज ओके सो बेसिकली इस टॉपिक का नेम है मेजरमेंट ऑफ लेंथ बट इन दिस टॉपिक वी आर मेजरिंग द लार्ज लेंथ ऑफ दिस मेथड पैरलैक्स मेथड सो दैट्स वाई वी कैन से पैरलैक्स मेथड ओके चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा लेक्चर मेजरमेंट ऑफ लेंथ ओके जनरली हम लेंथ को मेजर कैसे करते हैं या फिर आपके पास दो ऑप्शन हैं आपको स्मॉल लेंथ मेजर करनी है या फिर लार्ज लेंथ मेजर करनी है उसके लिए डिफरेंट डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट यूज किए जाते हैं तो हम लोग मेजरमेंट ऑफ लेंथ को टू पार्ट्स में डिवाइड करते हैं फर्स्ट वन इज स्मॉल डिस्टेंस ओके हमारा जो फर्स्ट पार्ट है वो स्मॉल डिस्टेंस को मेजर करने के लिए हम डिस्कस करते हैं कौन कौन सा इंस्ट्रूमेंट हम यूज़ करते हैं एंड सेकंड वन इज़ लार्ज डिस्टेंस ओके सो आपने देखा होगा कि आप लैब में या फिर आप जनरल यूज में भी मीटर स्केल का यूज़ करते हैं ओके स्मॉल लेंथ मेजर करने के लिए मोस्टली आप यूज़ करते हैं किसका मीटर स्केल का ओके एंड इससे आपको जो मेजरमेंट मिलता है ठीक है मीटर स्केल के थ्रू हमारे जो स्मॉल डिस्टेंस के लिए इंस्ट्रूमेंट है फर्स्ट वन इज़ मीटर स्केल मीटर स्केल से आपको जो मेजरमेंट मिलेगा वो सेंटीमीटर में होता है ठीक है वो किस में होता है सेंटीमीटर इस तरह से आपका स्केल होता है उसमें ज़ीरो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन ये वन सेंटीमीटर होता है ठीक है टेन डिवीजन टेन डिवीजन होते हैं वन सेंटीमीटर में तो आप इसमें स्मॉलेस्ट लेंथ को कैसे मेजर करेंगे या स्मॉलेस्ट लेंथ का मेजरमेंट होगा क्या एक्चुअल में सो so, मीटर स्केल का जो स्मॉलेस्ट मेजरमेंट होगा वो होगा ये फर्स्ट डिवीजन मीन्स इसकी जो वैल्यू है क्या होगी 0.1 सेंटीमीटर ओके okay, क्योंकि जो वन सेंटीमीटर है वन सेंटीमीटर को आपने टेन डिवीजन में डिवाइड किया सो वन बाई टेन सेंटीमीटर हुआ ठीक है वन डिवीजन का जो वैल्यू है दैट इज द वन बाई टेन सेंटीमीटर ओके या फिर आप जीरो पॉइंट वन सेंटीमीटर भी कह सकते हैं तो ये जो लेंथ है दिस इज द स्मॉलेस्ट लेंथ ऑफ मीटर स्केल ठीक है मीटर स्केल का स्मॉलेस्ट लेंथ है इससे आप वन मिलीमीटर mm भी कह सकते हैं ओके okay. अब क्या हुआ कि मीटर स्केल से और भी स्मॉलेस्ट वैल्यू को मेजर करने के लिए एक नया इंस्ट्रूमेंट इंट्रोड्यूस हुआ वर्नियर कैलिपर्स ठीक है फर्स्ट वन इज मीटर स्केल एंड सेकेंड वन इज वर्नियर कैलिपर्स वर्नियर कैलिपर्स में आपको जो मेजरमेंट मिलेगा वो डेसिमल के टू डिजिट तक एक्यूरेट मेजरमेंट देगा ठीक है मीन्स वर्नियर कैलीपर से आपको 0.01 सेंटीमीटर ठीक है मीन्स डेसिमल पॉइंट के बाद टू डिजिट तक टू प्लेसेस तक आपको वैल्यू प्रिसाइज मिलेगा इसमें ओके आफ्टर डेसिमल आप थ्री डिजिट तक मेजरमेंट लेना चाहते हैं तो थर्ड इंस्ट्रूमेंट है स्क्रू स्क्रूगेज स्क्रू का यूज करके आप क्या करेंगे कितना मेजरमेंट ले सकते हैं जीरो पॉइंट जीरो जीरो वन सेंटीमीटर ठीक है मीन्स जितना ज़्यादा डेसिमल पॉइंट के बाद डिजिट आएगा उतना ही मेजरमेंट आपका मोर प्रिसाइज होगा ठीक है मीन्स वैल्यू एक्यूरेट आएगी स्मॉलेस्ट वैल्यू आपको दे सकते हैं ये तीनों इंस्ट्रूमेंट ठीक है तीनों इंस्ट्रूमेंट के थ्रू आप स्मॉल डिस्टेंस को मेजर कर सकते अब बात आती है लार्ज डिस्टेंस ठीक है स्मॉल डिस्टेंस तो आपने इन थ्री इंस्ट्रूमेंट के बेसिस पर फाइंड आउट कर लिया है बट लार्ज डिस्टेंस के लिए आप क्या करें लार्ज डिस्टेंस इन द सेंस अर्थ एंड प्लैनेट्स के बीच का डिस्टेंस मेजर करना चाहते हैं प्लैनेट्स एंड प्लैनेट्स के बीच का डिस्टेंस मेजर करना चाहते हैं तो ये डिस्टेंस तो काफ़ी ज़्यादा लार्ज हो गई और इससे आप कैसे फाइंड करेंगे ठीक है तो इसके लिए एक स्पेशल मेथड यूज़ की जाती है दैट इज़ कॉल्ड पैरेलेक्स मेथड, ठीक है पैरेलेक्स का सिंपल सा मीनिंग है कि अगर आपके पास कोई ऑब्जेक्ट है ठीक है हम किसी ऑब्जेक्ट को टू डिफरेंट पॉइंट्स से व्यू कर रहे हैं ठीक है पॉइंट ए हमारा फर्स्ट व्यू पॉइंट है पॉइंट ए एंड सेकंड व्यू पॉइंट है बी ठीक है अभी हम क्या समझ रहे हैं पैरालैक्स मैथड ओके अब पॉइंट ए से अगर आप इस ऑब्जेक्ट को मेजर करेंगे ठीक है पॉइंट ए से आपने ऑब्जेक्ट को मेजर किया तो ऑब्जेक्ट इस प्लेस पे कहीं दिखाई देगा ठीक है बट वही ऑब्जेक्ट उसी सेम ऑब्जेक्ट को आप पॉइंट बी से मेजर करेंगे देन ऑब्जेक्ट का जो डिस्प्लेसमेंट है मीन्स ऑब्जेक्ट की जो पोजीशन है वो चेंज हो जाएगी ठीक है अब ऑब्जेक्ट आप इस डायरेक्शन में देख पाएंगे या इस पॉइंट पर देख पाएंगे ठीक है तो ये जो डिस्प्लेसमेंट है या ये जो डिफरेंस है ठीक है इसको बोलते हैं अपरेंट पोजिशन सो द डिफरेंस और डिस्प्लेसमेंट इन द एपरेंट पोजिशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट व्यूड अलोंग बाय द पॉइंट ए एज वेल एज पॉइंट बी ठीक है पॉइंट ए एंड पॉइंट बी से हम किसी ऑब्जेक्ट को मेजर करें या ऑब्जेक्ट को ऑब्जर्व करें तो उसके टू डिफरेंट डिफरेंट अपरेंट पोजिशन होती है इन अपरेंट पोजिशन का जो डिसप्लेसमेंट है वही कहलाता है पैरालेक्स ठीक है अब इस मैथड के थ्रू जो एंगल क्रिएट होगा आपने पॉइंट ए के थ्रू ऑब्जेक्ट मेजर किया पॉइंट बी के थ्रू ऑब्जेक्ट को ऑब्जर्व किया तो इन दोनों के बीच में ठीक है इन दोनों व्यूज पॉइंट के अलोंग एक एंगल क्रिएट होगा दैट इज कॉल्ड पैरालैक्स एंगल ठीक है इससे आप टीटा भी कंसीडर कर सकते हैं इसे बोलते हैं आप पैरालैक्स एंगल क्लियर है पैरालैक्स मेथड। पैरालैक्स का सिंपल सा मीनिंग होता है डिस्टेंस या डिफरेंस ठीक है चलिए अब हम इस मेथड को कैसे अप्लाई करते हैं वो देखते हैं सपोज आप अर्थ पर हैं और अर्थ पर आपने टू पॉइंट्स कंसिडर किए हैं टू व्यू पॉइंट्स कंसिडर किए हैं ठीक है ये आपका क्या है अर्थ है एंड यहाँ इस प्लेस पर कहीं एक प्लेनेट है ठीक है कोई भी हो सकता है प्लानट अब हमने अर्थ के टू व्यू पॉइंट्स लिए पॉइंट ए एंड पॉइंट B, व्यू पॉइंट ए एंड व्यू पॉइंट बी ऑन द अर्थ ठीक है इस तरह से लिया कि अगर आप इनको मिलाएं ठीक है इनको एड करें तो वो अर्थ का डायामीटर बन जाएगा क्लियर अब इस पॉइंट से पॉइंट ए से हमने पॉइंट पी को ऑब्जर्व किया और देखा इनके बीच का जो डिस्टेंस है ठीक है वो हम कैपिटल डी कंसिडर कर लेते हैं इस पॉइंट से आपने ऑब्जर्व किया एंड अगेन पॉइंट बी से ऑब्जर्व किया तो ऑब्जर्वेशन के दौरान जो डिस्टेंस है ठीक है दोनों पॉइंट के बीच एंड ऑब्जेक्ट के बीच का जो डिस्टेंस है वो तो सेम ही रहेगा हम अर्थ का डायमीटर बी कंसीडर करते हैं ठीक है अब हमने ये कहा कि जब हम डिफरेंट पॉइंट से डिफरेंट व्यू पॉइंट से किसी ऑब्जेक्ट को मेजर करते हैं तो उन डिफरेंट पॉइंट की वजह से यहां एक एंगल क्रिएट होगा ठीक है इस एंगल को हम पैरालेक्स एंगल कहते हैं और इसे हम ठीठा नेम सजेस्ट करते हैं ठीक है अब एक और चीज है यहाँ पर इम्पोर्टेंट जैसे आपके पास ये टू टू व्यू पॉइंट है ए एंड बी इफ तो ऑब्जेक्ट इज एट पोजिशन ऑब्जेक्ट यहाँ है ऑब्जेक्ट पी यहाँ है इस पोजिशन पे ठीक है एक ऑब्जेक्ट यहाँ पी एक ऑब्जेक्ट हमने अगेन सेकेंड ऑब्जेक्ट ले लिया क्यू ठीक है एंड थर्ड ऑब्जेक्ट ले लिया आपने आर तो हम पॉइंट ए एंड पॉइंट बी से इन तीनों ऑब्जेक्ट को ऑब्जर्व करेंगे ठीक है तो ऑब्जर्व किया तो इस तरह से आपका एंगल्स क्रिएट हुए ऑब्जर्वेशन से आपने ये कैलकुलेशन किया कि ऑब्जेक्ट जितना ज़्यादा पास होगा व्यू पॉइंट के व्यू पॉइंट ये हैं और ऑब्जेक्ट आप, आपका जो पी है वो सबसे ज़्यादा पास है ठीक है सबसे ज़्यादा पास पॉइंट पी है ऑब्जेक्ट पी है इन दोनों व्यू पॉइंट के तो जो ऑब्जेक्ट सबसे ज्यादा पास होता है व्यू पॉइंट के वहां एंगल मैक्सिमम बनता है ठीक है मैक्सिमम एंगल क्रिएट होगा ठीक है ये एंगल क्या होगा मैक्सिमम फिर धीरे धीरे एंगल जो है वो स्मॉलर होते जाएंगे एंड काफी ज्यादा लार्ज डिस्टेंस है अगर आपके पास तो एंगल क्या होगा वेरी स्मॉल तो यहाँ ठीठा जो है इज वेरी स्मॉल ठीक है वेरी स्मॉल बिकॉज जो डिस्टेंस है बिटवीन अर्थ एंड ऑब्जेक्ट इज वेरी लार्ज एज कंपेयर टू द डायमेंशंस ऑफ द अर्थ ठीक है सो थीटा विल बी वेरी स्मॉल नाउ अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला एंगल इज इक्वल टू क्या होता है अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस ठीक है ये फॉर्मूला हम पढ़ते यार हैं आर्क अपॉन रेडियस ठीक है सो एंगल यहाँ थीटा है एंड आर्क आर्क क्या कंसिडर करें तो देखो अगर आप सेंटर पॉइंट ऑब्जेक्ट को अगर सेंटर पॉइंट कंसिडर करके एक सर्कल बनाए ठीक है एक सर्कल ड्रॉ करें तो आपका ये जो बी है ए बी मीन्स जो डायमीटर है ए बी का वो क्या होगा वो आर्क ही होगा ठीक है इस तरह से मतलब उस आर्क के इक्वल होगा डिस्टेंस ठीक है डायमीटर ऑफ ए बी और वी और और कैन से डायमीटर ऑफ अर्थ इज इक्वल टू द आर्क ठीक है इस तरह से आप इमेजिन कर सकते हैं पूरा सर्कल पॉइंट पी को सेंटर प्रपोज करके सो so, यहाँ एंगल थीटा इज इक्वल टू आर्क क्या हुआ आर्क हुआ बी ठीक है एंड रेडियस क्या हुआ सो so, इस पॉइंट ये जो आपका ऑब्जेक्ट है इस पॉइंट से पॉइंट ए का डिस्टेंस ठीक है मीन्स सर्कल के किसी भी पॉइंट का डिस्टेंस वही होता है रेडियस सो डी सो वी कैन यूज दिस फॉर्मूला टू फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू ऑब्जेक्ट ठीक है अर्थ और प्लैनेट प्लैनेट एंड प्लेनेट एंड

मीटर में होगा सेंटीमीटर में होगा प्रॉब्लम नहीं है बट थीटा इज इन रेडियन थीटा किस में है रेडियन में क्योंकि जनरली आप थीटा डिग्री में रख, रखते हैं इसीलिए यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट ये लाइन है आपका थीटा रेडियन में लेना है थीटा की वैल्यू रेडियन में लेंगे तभी ये फार्मूला वैलिड होगा अदरवाइज नहीं होगा ठीक है तो आप थीटा जो है डिग्री को रेडियन में कैसे कन्वर्ट करें ओके सो

पाई की वैल्यू क्या होती है पाई की वैल्यू होती है थ्री पॉइंट वन फोर पॉइंट है बीच में वन एटी ओके पॉइंट रिमूव किया ये रेडियन में चल रहा है आपका पॉइंट रिमूव किया तो टू ज़ीरो हुआ यहाँ से टू से कैंसिल आउट कर दीजिए ठीक है टू वन ज टू कैरी वन टू फाइव सा टेन एंड टू सेवन सा फोर्टीन सो टू नाइन सा एटीन वन फिफ्टी सेवन अपॉन नाइन इन टू टेन पावर माइनस थ्री ठीक है नाउ नाइन वन सा नाइन कैरी सिक्स सिक्सटी सेवन हुआ नाइन सेवन जा सिक्सटी थ्री सेवन ओके फोर नाइन फोर जा थर्टी सिक्स ओके सो पॉइंट फोर 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 चलता रहेगा सो so फोर पे स्टॉप स्टॉप कर देते हैं हम लोग 10 पावर माइनस -3 तो इससे हम इस तरह से 1.74 10 पावर माइनस -2 लिख सकते हैं ठीक है सो यहाँ रेडियन एंड डिग्री में ये चेंज हो गया अगर आपको डिग्री में वैल्यू दें तो उसमें मल्टीप्लाई करके 1.74 10 पावर माइनस -2 का मल्टीप्लाई करके उसे आप रेडियन में पहले कन्वर्ट करेंगे एंड देन वैल्यूज को यहां इस फार्मूले में पुट करेंगे ठीक है अब ये ये भी आप नोट कर लीजिए कि वन डिग्री इज इक्वल्स टू सिक्सटी मिनट ठीक है तो सिक्सटी मिनट की वैल्यू भी यही रहेगी वन पॉइंट सेवन फोर इंटू टेन पावर माइनस टू रेडियन ओके आई होप क्लियर दिस पॉइंट चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट वीडियो में हम वर्नियर कैलेपर्स एंड स्क्रू गेज दो वीडियो और हैं इस यूनिट के दोनों वीडियो जल्दी ही अपलोड कर दूंगी मैं ओके okay. वर्नियर कैलिपर्स एंड स्क्रूगेज ये दोनों इंपॉर्टेंट है आपके प्रैक्टिकल पर्पस से सो स्टेट विथ एंड पी सी एंड देखना ना भूलिए वर्नियर कैलिपर्स एंड स्क्रूगेज के नेक्स्ट वीडियो अपकमिंग वीडियोस ओके सो टिल देन कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग थैंक यू सो मच एंड टेक केयर बाय बाय थैंक यू सो मच एंड यस 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 प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल थैंक यू